हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि कभी भी हम लोग जब भी सर्च करते हैं तो Google Chrome में हम लोग जब भी सर्च करते हैं तो वेब ब्राउजर के माध्यम से सर्च करते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग और जानते हैं कि जब भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हम लोग कोई चीज सर्च करें तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, कोई भी हमारी हिस्ट्री को सर्च कर ना पाए, कोई भी देख ना पाए कि हमारी क्या हिस्ट्री है और हम क्या सर्च किए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट मोड का, या जिसको हम लोग इनकॉग्निटो मोड कहते हैं। यह आपको सारे ब्राउजर में मिल जाएंगे। सबसे पहले यह फीचर जो है वह गूगल क्रोम में मिला था। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम लोग, लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी हम लोग कोई भी चीज चाहे प्राइवेट मोड में सर्च करते हैं, जिसको हम लोग इनकॉग्निटो मोड कहते हैं, तब भी वह हिस्ट्री बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि जिस भी ISP का हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, ISP का यहाँ पे मतलब यह है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मान लीजिए एयरटेल, जियो, BSNL है, जिसका भी हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, उसके पास वह हिस्ट्री बनती है कि हमने क्या क्या सर्च किया है। तो दोस्तों, हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजिंग हिस्ट्री को सर्च करते हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग इनकॉग्निटो मोड में क्या क्या सर्च किए हैं, और हम आपको सर्च हिस्ट्री को क्लियर करना भी दिखाएंगे इनकॉग्निटो मोड का। तो दोस्तों, इसके लिए चले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कमांड को ओपन करते हैं, और कमांड को ओपन करने के बाद हम एक कमांड उस कमांड को टाइप करते हैं, और कमांड है हमारा ipconfig/displaydns। और जैसे हम एंटर मारेंगे तो जो भी वेबसाइट हम सर्च किए रहेंगे वो लिस्ट में आ जाएगी। यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी आपको इस प्रकार समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की है, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कट, और यहाँ पे हम आ जाते हैं 3 डॉट यहाँ राइट साइड में। इस पर आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू इनकॉग्निटो का, यहाँ पे इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, दोस्तों जैसे ही मैंने न्यू इनकॉग्निटो मोड को ओपन किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज लिख के आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्रोम वॉन्ट सेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि क्रोम क्या क्या सेव नहीं कर सकता, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को, कुकिंग एंड डाटा साइट को, इन्फॉर्मेशन इंटर इन फॉर्म्स, और फिर करा योर एक्टिविटी माइट स्टिल बी विजिबल टू, मतलब क्या क्या आपकी स्टोर की जाएगी, जैसे आप कौन कौन सी वेबसाइट आप सर्च करते हैं, या जो है यहाँ पर लिखा योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी हम वेबसाइट को सर्च करते हैं, हमारा जो ISP होता है वह ISP हमारी वेबसाइट को, कौन कौन सी वेबसाइट को सर्च करते हैं उसको ध्यान देता है। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जाने के बाद हम गूगल को सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल को ओपन करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है, हम अपनी ही वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो हम टाइप करते हैं यहाँ पे www.digitaljunction.com। हम अपनी और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं पूरी तरीके से। दोस्तों, हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। चलिए हम एक बार कमांड ओपन करके दिखा देते हैं कि देखिए इनकॉग्निटो मोड में भी हिस्ट्री सेव होती है। चलिए मैं एक बार काम करता हूँ, कमांड को ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम विंडोज R और CMD ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से हम वही कमांड चलाएंगे ipconfig/displaydns। तो जैसे हम इंटर मारेंगे, दोस्तों हम थोड़ा सा इसको ऊपर करके ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जो वेबसाइट अपनी ओपन की थी, यहाँ पर digitaljunction.com यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अब हमें काम करते हैं कि पूरी की पूरी हिस्ट्री को हम क्या काम कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। उसके लिए हमें कौन सा कमांड चलाना होगा, यहाँ पे हम चलाएंगे ipconfig/ यहाँ पे हम चलाएंगे /dns। तो जैसे हम इंटर मारेंगे, यहाँ पे मैसेज लिख के आ जाएगा विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली फ्लश द DNS रिजॉल्व कैचे। चलिए अब हम फिर से वही डिस्प्ले वाला कमांड चला के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है। तो हम फिर से कमांड चला के चेक कर लेते हैं config/displaydns। और जैसे हम इंटर मारेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि वह वेबसाइट हमारी जो है वह नहीं दिख रही है।